हेलो गाइस, सबके स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस थ्री संस्कार में। जो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जो सब एमबीए करना चाहते हैं वो कैट देने से पहले 10 चीजें ये सोचते हैं। तो सारी चीज उनके मन में आती है कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट से करूँ। तो यार देखो, जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट होती है उनकी देखा जाए तो काफी आईआईएम्स हो गए, उन सबकी हो गई, उनकी फीस अराउंड 25-30 लाख रुपीज है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, बट फिर भी कई लोग डेट में नहीं पढ़ना चाहते, तो इसलिए वो एक अफोर्डेबल कॉलेज ढूंढते हैं जो अगर उनकी अच्छी परसेंटाइल आ जाए तब भी वो उस कॉलेज को सिलेक्ट करें और उनकी काफी अच्छा पैकेज भी लगे और उनकी फीस पे भी उनकी पॉकेट पे ज्यादा वो भारी ना पड़े, क्योंकि हर कोई डेट से बचना चाहता है और वो यही चाहता है कि वो बिना एजुकेशन लोन लिए या फिर बिना लोन लिए अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेजेस फॉर एमबीए इन इंडिया बताऊंगा, जहां से आप एमबीए कर सकते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और उसके पैकेज भी काफी अच्छे। मैं बताऊंगा कि उनकी एवरेज और हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और आपके मन में कोई भी अगर मुझसे डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका 101% आंसर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉलेज है, वो सबसे ज्यादा फेमस कॉलेज कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, जो है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली, FMS। तो यार FMS एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस बहुत ही कम है और उसका एवरेज और हाईएस्ट पैकेज बहुत ही ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा बेस्ट आरओआई के लिए माना जाता है कि इस कॉलेज की बेस्ट आरओआई है। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी फीस है वो अराउंड 30-40 थाउजेंड, जिसकी आप देख सकते हैं ऑफिशियली मैंने यहाँ पे पूरी इसकी जो फीस की वो है मैंने यहाँ पे एक लगा रखी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फीस कितनी ही कम है, और इसका आप देखा जाए तो इसका जो हाईएस्ट पैकेज है ये इस ईयर की, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस ईयर का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगी है वो है 48 लाख पर एनम की, और जो एवरेज प्लेसमेंट लगी है वो है 23.2 लाख पर एनम। और इसके लिए आपको कैट देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। देन जो आपकी देख सकते हैं ट्यूशन फीस एट FMS दिल्ली इज वन ऑफ द लोएस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल अमंगस्ट ऑल बिजनेस स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। द एनुअल ट्यूशन फीस फॉर MBA फुल टाइम एंड PhD प्रोग्राम एट FMS इज अप्रॉक्सिमेटली 10,480 पर ईयर, एंड द एनुअल फीस पेबल इज ₹50,000 इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹25,000 ईच फॉर MBA एग्जीक्यूटिव एंड MBA एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स। तो देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस है इसकी, और आप अराउंड 50,000 से कम में आप अपनी MBA कर लेंगे फुल फ्लैश्ड। और FMS में कह सकता हूँ कि ये टॉप प्रेफरेंस होती है कई स्टूडेंट्स की, जो मानते हैं IIM बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई 99.9% प्लस स्कोरर होते हैं वो भी FMS को चूज करते हैं, क्योंकि इसकी ROI बेस्ट है। सबसे बेस्ट ROI FMS की ही है, और जो दिल्ली से एफिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो सही में ये नंबर वन प्रेफरेंस होती है, और मैं कहूँ बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज आप कह सकते हैं तो यही है, जिसमें आप अराउंड 30-40 थाउजेंड लगाकर एक प्लेसमेंट पा सकते हैं अराउंड अबव 20 लाख की। तो अबव 20 लाख की प्लेसमेंट पा सकते हैं अराउंड 30-40 थाउजेंड। तो ये बेस्ट ROI कॉलेज है, तो ये तो बेस्ट है। तो चलिए हम देख रहे थे जो हमारा इसकी फोटोज हैं, तो FMS की आप देख सकते हैं बिल्डिंग की ये दो फोटोज हैं, आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज है, तो ये इसकी कैंपस है। चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये भी काफी वेल नोन कॉलेज है, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी काफी ही नाम है, और इसको भी अच्छी ROI के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी फीस भी है वो है, आप देख सकते हैं MBA कोर्स फीस इज अराउंड ₹31,000 ओवरऑल फीस फॉर टू ईयर्स। तो 2 साल की आपकी टोटल फीस अराउंड 31,000 रुपीज है, मींस 31,000 में आपको MBA की डिग्री मिल रही है, और एक वो भी बहुत अच्छी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जिसका एवरेज प्लेसमेंट है वो अराउंड 8.25 लाख पर एनम, और जो हाइएस्ट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वो 20 लाख पर एनम। तो FMS की कंपेयर तो कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी ही अच्छी इसकी ROI, इसकी भी हम कह सकते हैं 31,000 रुपीज लगाने के बाद आपको अराउंड मोर देन 8 लाख के आपको अराउंड आराम से आपकी प्लेसमेंट इसमें लग जाएगी। और सबसे मोस्ट प्रोबेबली आपकी कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना आप ग्रैब कर सकते हैं पैकेज, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कैंपस बिल्डिंग है वो ये है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के 2 डिपार्टमेंट है, एक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और एक कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट से आपकी MBA होती है, एंड जो आपका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है उससे आपकी मास्टर इन इकोनॉमिक्स होती है, तो वो एक चीज है। तो हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट है वो है सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, जो पुणे में है। तो इनकी इस कॉलेज की जो आप कह सकते हैं कि फीस है वो जो फर्स्ट दो कॉलेजेस थे उनसे काफी ज्यादा है, बट फिर भी ये ओवरऑल आप कह सकते हैं और कॉलेजेस से कंपेयर करें तो इसकी फिर भी अफोर्डेबल है।
तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी फीस है वो है अराउंड ₹140K, मीन्स 1,40,000, एंड इट्स ओवरऑल फी फॉर 2 ईयर्स. तो 2 साल की आपकी 1,40,000 रुपीज है, और जो आपकी एवरेज प्लेसमेंट है वो है अराउंड 6.5 लैक्स पर एनम, एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो आपकी 16 लैक्स पर एनम. तो ये भी ठीक ठाक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है काफ़ी, और इसकी भी आपकी कह सकते हैं कि कम फीस में ज़्यादा का आपको, लेकिन हाँ आप कंपेयर करें इसको FMS और उससे तो वो आप इससे नहीं कर सकते, बट हाँ फिर भी अच्छा कॉलेज है ये. और वैलिड एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके MAT, CET, CAT, CMAT, ZET. तो इसमें से आप जो भी एग्जाम देंगे तो ये आपकी रैंक्स निकालेंगे, उस रैंक्स के हिसाब से आपकी जैसे परसेंटाइल्स होती है कैट के अंदर, तो ऐसे ही आप इनमें से कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके बेस पर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि अब हम जो इसकी फोटो आप देख सकते हैं कि ये है कॉलेज, जो कैंपस की बिल्डिंग है वो ये है. तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है, और जो इसकी फीस है वो भी थोड़ी सी और कॉलेजेस के मुकाबले, इन कॉलेजेस के मुकाबले कह सकता हूँ मैं जो अफोर्डेबल की रेंज में है, तो उनमें थोड़ी बहुत ज़्यादा है, जिसकी फीस है 1,60,000 to 1,70,000 ओवरऑल फीस. तो 2 साल की आपकी ये 1,60,000 फीस पड़ेगी आपकी, और जो आपकी एवरेज प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वो है थोड़ा कम है 5 लाख पर एनम की, और हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 12 लाख पर एनम. तो आप इसे हाँ अगर टॉप जो 99% है वो तो हाँ इनको मेरे ख्याल से वो तो अपने FMS और IIMs को इनको टारगेट करेंगे, बट हाँ आपकी थोड़ी कम परसेंटाइल है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. और जो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात, इसमें कैट नहीं होता, इसमें IPU का CET इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बेस पर आपका इस कॉलेज में एडमिशन होगा. तो हाँ अगर आप कैट देते तो आपके मैंने पहले वाले ऑप्शन बताए हैं तो कैट के लिए आपके वो है, बट IPU CET अगर आप वैसे भी जो भी कैट दे रहा होता है वो अपने साथ साथ और भी एग्जाम्स देता है, जैसे कि ZET हो गया, IFT हो गया आपका, ये अब IPU CET भी होता है, तो आप अगर चाहें तो इससे दे सकते हैं, आप MBA इस कॉलेज से भी कर सकते हैं, वो भी ठीक ठाक कॉलेज है ये भी. अब मेरे तो नेक्स्ट कॉलेज है वो इसके आप देख सकते हैं कि इसकी हाँ कैंपस फोटो ये है, तो ये है आपको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट है वो है जमुनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज JBIMS. तो ये भी इसका भी नाम काफ़ी फेमस है और ये मुंबई में है, और JBIMS का बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है, और इसकी फीस थोड़ी थोड़ी क्या कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ी और अफोर्डेबल कॉलेजेस के रेंज में, बट फिर मैंने इसको रखा क्योंकि अराउंड 25 लाख जो टॉप की होती है उसके मुकाबले 6 लाख रुपीस ठीक हैं थोड़े बहुत, बट अगर आप को ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप मेरे जो मैंने इससे पहले कॉलेज बताए हैं वो आप देख सकते हैं, वो ज़्यादा उसमें आपको कम आपके अफोर्डेबल है, काफ़ी ही कम फीस है उनकी, और उनके पैकेज भी थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, बट उनके लिए आपको जो FMS हो गया उसके लिए तो आपको टॉप स्कोरर में आना पड़ेगा, 99.9+% लानी पड़ेगी, तब जाके आप FMS में जा पाओगे. जी वैसे एक कहा जाए तो इसकी ऑलमोस्ट FMS ने डिस्क्लोज कर रखा है कि 95% अबव में वो FMS को ले लेती है, लेकिन अब आप देख सकते हैं जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो हिसाब से 99% स्कोरर्स आजकल FMS की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्वियसली इट्स ROI, तो उसको आप देख सकते हैं. तो ये एक JBIMS है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो फीस है वो अराउंड 6 लाख रुपीज़ है, थोड़ी ज़्यादा है बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है और नेम इसका काफ़ी अच्छा है, और जिसकी एवरेज प्लेसमेंट है वो अराउंड 20 लाख पर एनम. तो ये चीज़ अच्छी है कि इसकी एवरेज प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है 20 लाख पर एनम की, और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो है 40 लाख पर एनम. तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है ये भी. और जो इसके वैलिड एंट्रेंस एग्जाम है वो है MAH आपका CET, CAT, CMAT, ZET. तो इनमें से जो भी एग्जाम आप दोगे या फिर सारे दोगे उसके बेस पे आपका ये एडमिशन आपका इसमें हो सकता है, बट माइंड दैट कि इसके बाद इन वैलिड एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका एक GDPI राउंड भी होता है ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस के लिए, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन उसमें होगा. तो ये है JBIMS की कैंपस फोटो जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो अगर लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, अगर नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट लाता रहूँगा वीडियोस का, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं, मैं उस पर 101% वीडियो बनाऊंगा, और कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं 101% उसका जवाब उसी टाइम दूंगा. और बस गाइज आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर.